चलिए आज आपको स्ट्रेस दूर करने का एक उपाय बताता हूँ। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, बोला, महाराज एक बात बताओ, ऐसी पत्नी को क्या कहते हैं जो सुंदर हो, लंबी हो, होशियार हो, पति को समझती हो, कभी झगड़ा भी नहीं करती हो, सबका आदर करती हो, बड़ों का सम्मान करती हो, छोटों को प्यार करती हो। बोला, बेटा इसको वहम कहते हैं, ऐसी चीज को दुनिया में होती नहीं है। तो भाई उम्मीदें कम रखो। एक और पति पत्नी की बात बताता हूँ। अब लड़ाई हर घर में हो जाती है, जब मियां बीवी की लड़ाई होती है सबसे पहले क्या होता है, बातचीत करना बंद। अब हस्बैंड ने सुबह जाना था बाहर, अब सोचा मैं इसको कैसे बोलूं, लड़ाई तो फिर निभानी पड़ती है लड़ाई। उसने चिट्ठी में लिख रख दिया कि मैंने सुबह बाहर जाना है, मुझे 5 बजे उठा देना है। चिट्ठी रख दी पत्नी के तकिए के नीचे। अब पत्नी सो गई, वो भी सो गया। अब सुबह 8 बजे उसकी जाग खोली, उठाया नहीं पत्नी ने, और गुस्से में था। इतने में चिट्ठी पड़ी थी तकिए के पास, 5 बज गए हैं, उठ जाओ। चिट्ठी का जवाब चिट्ठी। तो भाई अपनी उम्मीदें कम रखो, अगर हंसना चाहते जिंदगी में, मुस्कुराना चाहते हो, तो दूसरों से उम्मीदें कम रखो, खुद से ज्यादा रखो। आप एक चीज चेक करना, जितना आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो उतने आपके दुख ज्यादा है, उतना आपका स्ट्रेस ज्यादा, तनाव ज्यादा है। जो जो काम खुद कर सकते हो खुद करो, इतना इजी है ना ये। मैं मतलब आपको साक्षात खुद की एग्जांपल देता हूँ। वाइफ का इलाज चल रहा था कैंसर का, तो नेहा मेरे साथ थी, पूजा का इलाज कहीं और से कर रहा था। तो हम 40 दिन साथ रहे, क्योंकि नेहा के ना जब 12th के पेपर थे, एग्जाम थे, वो 40 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा। कुकिंग सीखी, घर को संभालना सीखा, कपड़े वपड़े सब, बेड वुड सब संभालना सीखा, क्योंकि 40 दिन दोनों अकेले थे, कुछ कर नहीं सकते थे, वो भी था ही नहीं हमारे साथ, हम दोनों। तो दोस्तों जब जब डिपेंडेंस खत्म होती जाती है, आप इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हो, बहुत सारी चीजें आपको जिंदगी में तब समझ आती हैं, और आपके अंदर एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। जितना दूसरे पे डिपेंडेंट आपके हस्बैंड होते हैं ना, उनको कच्चा भी बीवी ला के देगी, चो कहाँ पे रखा हो, बनियान जो कुछ है, पर्स चाहिए, बेल्ट चाहिए, कुछ चाहिए, वो पति मोहत पत्नी से ही मांगेंगे, उतने वो बंदा झगड़ालू होता है। ये चेक कर लेना, जिसको खुद पता है उम्मीदें कम होगी। तो दोस्तों उम्मीदें कम रखो, अगर हंसना चाहते हो, अगर मुस्कुराना चाहते हो, नहीं तो स्ट्रेस बढ़ता रहेगा और ये सब गर्मियां बढ़ती रहेंगी। हमारा दुश्मन है गर्मी, ये याद रखना, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, हमारा दुश्मन है। जैसे आपका लीवर है, ये सिर्फ ठंड पसंद करता है, आपके इंटरनल मैकेनिज्म मेटाबॉलिज्म ये ठंडक पसंद करता है, इसलिए सर्द इलाकों में रहने वाले लोग ज्यादा लंबी जिंदगी जी के जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, और हमारे यहाँ तो ना जून के महीने में राजस्थान में रेत में टाई लगा के घूम रहा होता है बंदा। अब मेरे को समझ नहीं आती भाई किसको दिखा रहा है। तो अब वैसे कैजुअल रहोगे लोग फिर भी पसंद करेंगे। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कीजिए एंड बीट द हीट। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। तो हाँ दोस्तों, आप किन से उम्मीद रखते हैं, अपनों से, आपसे, या आपको उलझन है? हमारे इस नंबर पर कॉल अवश्य करें, हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट के लिए। थैंक यू सो मच।